बच्चियां हैं और जितने भी हमारे लड़के बच्चे हैं, मैंने तो ऐसा ही सुना है, देखा है, बाकी तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। सो डिस्क्रिमिनेशन भी हो कि भाई डी सी साहब ने इसको बना दिया, उसको नहीं बनाया। हमें अपने सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। इस पर्चियों में से जो भी पर्ची आप उठाएंगे, वही आज बच्चियों में से डीसी बनेगा और वही आपकी फाइल बनेगी। खोले मुझे, अब देखते हैं कौन लकी है जो सबसे पहला डीसी बनेगा। कोई गैस कर सकता है? मेहरुन निसा, रोल नंबर 34, सब्जेक्ट आर्ट, हाई सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद। आपको एटीट्यूड से बैठना है, नहीं ढंग से कंफर्टेबल कंफर्टेबल होके बैठो, कंफर्टेबल होके बैठो, अपनी मर्जी से बैठो बेटा, आगे करो चाहिए। لکھت تمو دوپ دمو لکھت تمو اس زمین سو الاٹ گمت کورٹ مزل تمو لکھت دیت کیمن مون نہ کین دبن گڈ کرو تھی فارمل آپس میں بات نہیں کرنی। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 था, तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि डीसी साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका टाइटल था IAS यूथ मिशन। तो इसमें हम सब बच्चों को उन्होंने एक मतलब 15-15 मिनट एंड 20-20 मिनट के लिए अपने चेयर पे एज ए मतलब डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे, एज ए डिप्टी कमिश्नर हमें डिसीजंस लेने थे, इसलिए मैं इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया एंड मैंने दो डिसीजंस लिए इसमें, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना मुझे पता है मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते रहे, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड जो हमारा डर था वो भी ख़त्म हो गया है। एंड जो मैंने डिसीजंस लिए वो इसी रिकॉर्डिंग थे, रेवेन्यू के रिगार्डिंग थे, ग्राउंड्स के रिगार्डिंग थे, एंड जो प्रॉब्लम्स थी कुछ गुजर्स की उनके रिगार्डिंग थे।